Hi friends, welcome back to my channel. So today we are creating one model on the topic early man, or you can say stone age. So without wasting any time, let's get started. And if you like today's video, don't forget to subscribe my channel and like this video as well. So सबसे पहले मैंने यहाँ पे कप का बॉक्स ले लिया था और उस कप के बॉक्स को मैंने ब्राउन कलर की शीट से अच्छे से कवर कर लिया था सारी साइड से, और ये जो कप का बॉक्स है उसको मैंने आगे वाली साइड से ओपन कर दिया था सो दैट हमें मॉडल बनाने के लिए ज्यादा स्पेस मिल जाए। अब जो हमारा ब्राउन कलर की शीट से अच्छे से कवर हो चुका है सारा स्पेस, अब मैंने डार्क ब्राउन कलर की एक शीट ले ली थी और मैंने लाइट ब्राउन कलर के कार्डबोर्ड को ओवल शेप में काफी सारे ओवल्स को मैंने कट कर लिया था और उसको मैंने ब्राउन कलर की शीट के ऊपर लगा दिया। बेसिकली वी आर क्रिएटिंग वन केव। जैसे कि स्टोन एज में, अर्ली मैन वाली एज में लोग जो थे वो ज्यादातर केव्स के अंदर रहते थे, तो यहाँ पे हमने एक केव बनाई है। तो जो ये ओवल शेप के कार्डबोर्ड्स हैं उसको हम एक के ऊपर एक लगाते रहेंगे और ये खुद ब खुद एक केव की शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लीजिए, हमारी केव बनके हो चुकी है रेडी। तो चलते हैं हम आगे लॉग्स बनाने। तो लॉग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने डार्क ब्राउन कलर की एक शीट ली है, उसको मैंने रोल एंड रोल करके ग्लूगन की हेल्प से सिक्योर किया है। ग्लूगन की हेल्प से सिक्योर करने के बाद उसको ट्राइंगल फॉर्म में लगा दिया है। ट्राइंगल फॉर्म में लगाने के बाद इसके ऊपर मैंने शीट्स की फायर बनाई है और फायर को मैंने लगाया है ट्राइंगल शेप में। तो यहाँ पे मेरी फायर बनके हो चुकी है रेडी। तो चलिए एक जल्दी से क्यूट सा एक और हाउस बना लेते हैं। और हाउस बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक ब्राउन कलर की शीट ली है, उसका मैंने डोर पहले ही कट कर दिया, उसको रोल करके सिक्योर कर लिया है ग्लूगन की हेल्प से। नीचे ग्लूगन लगाते हुए मैंने ऊपर एक हट की फॉर्म में इसको बना दिया है, और जब ये ऊपर से हट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम ब्रोम का एक्स्ट्रा जो पार्टिकल्स होते हैं उसको हम लगाएंगे इसके अंदर, और लगाने के बाद हम इसको अच्छे से कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा जो इसका पार्ट है उन सब चीजों को हम कट कर लेंगे। तो इतना हमारा मॉडल बनके हो चुका है रेडी। अब हम एक पॉन्ड बना लेंगे, और पॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ब्लू कलर की एक शीट ली है, उसको मैंने लगा लिया है मॉडल के ऊपर, और उसके बाद वेव्स बनाएंगे। वेव्स बनाने के लिए यहाँ पे हमने ग्लू गन हेल्प ली है, और ग्लू गन को हम वर्टिकल शेप में लगाएंगे सो दैट एक वेवी फॉर्म में आ जाए। और वेवी फॉर्म क्रिएट करने के बाद इसके आसपास हम लगा लेंगे स्टोन्स। तो स्टोन्स ये आपको एक किसी भी पार्क में भी इजीली अवेलेबल होंगे। और साइड पे हम थोड़ा सा लकड़ी टाइप का दिखा देंगे, जैसे कि पुराने हाउसेज में कुछ लकड़ी का इकट्ठा किया होता है उस टाइप का। और इसके बाद हम इनका फूड बनाएंगे। फूड के अंदर यहाँ पे मैंने रॉ मीट एंड फिशेज बनाई है, और फिशेज और रॉ मीट बनाने के बाद इसको मैं अच्छे से कलर कर लूंगी। आप कलरिंग किसी भी अपने फेवरेट पेन से कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने ब्रश पेन का हेल्प लिया था। अब इसके बाद मुझे थोड़ी सी ग्रीनरी की कमी लग रही थी, तो मैंने थोड़ा सा ग्रीन शीट लेके इसकी ग्रासेस कट करी थी, और ग्रासेस कट करने के बाद मैंने ट्री भी कट कर लिए थे। और ट्री कट करने के बाद इसको हम बैक वाली साइड पे लगा देंगे, और बैक वाली साइड पे जब सारे ट्रीज लग जाएंगे तो उसके बाद हम लगा लेंगे ग्रासेस। और ग्रासेस को मैंने केव्स के आगे लगा लिया था, हाउस के आगे लगा लिया था, और जो पाउंड था उसके आगे लगा लिया था। अब हम बनाएंगे अर्ली मैन से रिलेटेड, स्टोन एज से रिलेटेड ड्रॉइंग्स। अगर आपको इजी वे से ड्रॉइंग बनानी सीखनी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। उस लिंक में आपको पता चलेगा कि आप एफर्टलेस ड्रॉइंग्स कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉइंग्स ऑलरेडी बना के रख ली थी, इसको मैंने कलर करा, और कलर करने के बाद मैंने इसको टेप से कवर करा, और टेप से कवर करने के बाद मैंने इसकी कटिंग करी। तो यहाँ पे मेरी सारी ड्राइंग्स बनके हो चुकी है रेडी। तो अब बारी आ चुकी है पेस्टिंग की, सो लेट्स डू पेस्टिंग। तो हम सारी ड्राइंग्स को कलर करने के बाद, इसको कट करने के बाद, सारी जो ड्राइंग्स है उसको हम मॉडल के अंदर लगा लेंगे। और ड्राइंग्स को लगाने के लिए यहाँ पे मैंने हेल्प ली ग्लूगन की, तो ग्लूगन की हेल्प से हम सारी ड्राइंग्स लगा लेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने ड्राइंग लगाई है वो एक हट के आगे लगाई है, देन एक केव के आगे लगाई है, उसके बाद मैंने एक ड्राइंग सबसे आगे वाली साइड पे लगाई है, एंड देन बैक साइड पे, उसके बाद मैंने आगे वाली साइड पे एक स्टोन रख के एक अर्ली मैन को सिट कराया है। उसके बाद मैंने एक इनका फूड का जो काउंटर है वो रेडी करा था, और जो इसका फूड वाला एरिया है उसको मैंने आइसक्रीम स्टिक की हेल्प से क्रिएट किया है। और उसके बाद जो मैंने पहले से ही रॉ फिशेज और मीट बना के रख लिया था उसको हम उसके ऊपर लगा लेंगे, और नीचे वाली साइड पे हम एक फायर लगा लेंगे। तो ये हमारा मॉडल बन के हो चुका है रेडी। सो आई होप सो आपको आज का मॉडल अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक जरूर करेंगे और सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे मेरे चैनल को। प्लीज गाइस सब्सक्राइब जरूर करा करो, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, और जब आप सब्सक्राइब और लाइक करते हो तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है मैं आपके लिए और ज्यादा मॉडल्स बना के लेके आऊं। आप लोगों को नेक्स्ट मॉडल किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, हम आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करने की कोशिश पूरी पूरी करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुद से प्यार करिए, खुद का ध्यान रखिए, धन्यवाद।